आज के हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही होता। लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। क्योंकि आज गुना हो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और अभी तक नीचे करो नीचे अपने आप ऊपर हो जाती है। कृषि आधारभूत संरचना विकास के लिए फंड की व्यवस्था की है। कृषि उत्पादक समूह बनेंगे 10,000 किसानों को, उसमें मिनिमम 300 लेंगे किसान, अधिक से अधिक हजारों हो सकते हैं। अब हम इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव को स्वामित्व योजना दी है, इससे गांव के विकास के द्वार खोले, मंदिर तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी। अब किसान सिर्फ MSP पे नहीं, MRP पे बेचने का अधिकार दिया है मोदी ने, और इसलिए अब किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करेगा, उद्योगपति भी बनेगा, व्यवसाय भी करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और बेरोजगारों को भी रोजगार देगा गाँव। इससे गाँव का पलायन रुकेगा और गांव आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होंगे, मजदूर आत्मनिर्भर होंगे, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। कमल जी, सवाल ये है कि तीनों कानून वापस लेने की बात हुई है, ठीक हुआ या नहीं हुआ? तीनों कृषि कानून बात लेने, तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए सब मांग कर रहे थे कि खेती, अच्छा आप लोग भी कहते हो खेती घाटे का धंधा है तो लाभ का धंधा कैसे बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून भारत सरकार लेकर आई थी। लेकिन हमारे देश का कोई भी अच्छा कार्य करता तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उसको विरोध करते हैं हर चीज में। डैम बनेगा तो विरोध करेंगे, रोड बनेगी तो विरोध करेंगे, कोई भी अच्छा। और इसलिए और हमारे देश के लोग किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, भावना में आके वो आ जाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो किसान बिल कल वापस लिए हैं, ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भी, और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे हित में हो रहा है तो उनको हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कहीं किसान आंदोलन नहीं होने दिया, जबकि किसान आंदोलन में जाने वाले लोग थे उनको भी हमने चौपाल लगा लगा के बताया पूरे रास्ते में से वापस हुए हैं। पूरे देश का बहुमत किसान इस पक्ष में था, लेकिन कुछ किसान नहीं थे तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हम सबको ना समझा देंगे और सबको विश्वास मिल लेंगे तब तक हम इसके अभिषेक भाई क्या कर रहे हो यार, मुंडी क्यों हिला रहे हो? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में गए तो उन्होंने नीचे उतर के सीढ़ी पर दंडवत किया और ये कहा था कि लोकसभा लोगों ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।